छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मुख्यालय में रायपुर में किसी भी नेता के लिए, किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, जो हमारी पार्टी का मुख्यालय होता है वो मंदिर के समान होता है, और हम सबसे सेफ अगर कहीं होते हैं तो वो उस मुख्यालय में होते हैं। लेकिन 30 तारीख की शाम के 6 बजे के आसपास की ये घटना है, जब मैं सुशील आनंद शुक्ला जी से बात करने गई तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी करनी शुरू करी, मुझे गंदी गंदी गालियां देनी शुरू करी, और ऐसी ऐसी गालियां जिनका मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे कोई शब्द भी हो सकते हैं दुनिया में, और लगातार गंदी गंदी चीज़ें बोलने लग गए और चिल्लाने लग गए। तब मैं चिल्लाई, बहुत चिल्लाई, वहाँ पे बाहर लोग बैठे हुए थे, और मैंने चिल्ला के ये भी कहा कि जाके नीचे से प्रदेश के महामंत्री को बुला के लाइए और लोगों को बुला के लाइए, लेकिन कोई नहीं हिला। फिर वो जब मैंने अपना फ़ोन बाहर निकाला कि मैं आपको रिकॉर्ड कर रही हूँ, ऐसे हाथ में फ़ोन पकड़ा, तो सुशील आनंद शुक्ला ने इशारा किया और उस कमरे में दो और लोग थे, दो और प्रवक्ता थे, जिन्होंने उनके ऐसा इशारा करने पे दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, कुंडी बंद कर ली गई। करीबन 1 मिनट तक कमरा अंदर से बंद रहा और मुझे गंदी गंदी गालियां दी गई, तीनों उठ के मेरी तरफ आए। मैं अभी भी जब उस घटना के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, बाहर भी लोग थे लेकिन किसी ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश नहीं करी, और जो बाकी के दो आदमी थे उन्होंने दरवाजे के आगे आके खड़े हो गए और मुझे दरवाज़ा नहीं खोलने दिया। मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, मेरे हाथ में फ़ोन था, मैं बार बार कहती रही कि मुझे बाहर जाने दीजिए, लेकिन लगातार मुझसे बदसलूकी करी जा रही थी। बहुत मुश्किल से मैं वहाँ पे धक्का दे के, और उस समय सिर्फ एक ही चीज़ मेरे ध्यान में आई, मैंने आंख बंद करके चिल्लाते समय सिर्फ कृष्ण जी का ध्यान किया कि वो मुझे यहाँ से बचा के लेकर जाए, क्योंकि जहाँ पे हम सपने अपने आप को एक महिला सबसे सुरक्षित महसूस करती है कि वो हमारा मंदिर है, वहाँ पे मुझे अंदर तीन आदमियों ने बंद कर लिया। बहुत मुश्किल से धक्का दे के मैं वो दरवाज़ा खोल के चिल्लाती हुई चीखती हुई कांग्रेस ऑफिस में, सीढ़ियों से जो लोग वहाँ पे गए उन्होंने देखा है कि वो फर्स्ट फ्लोर पर ऑफिस है, मैं नीचे भागती हुई गई चिल्लाती हुई, सीधा प्रदेश के महामंत्री, जनरल सेक्रेटरी और प्रभारी ऑर्गेनाइजेशन के कमरे में गई, चीखती चिल्लाती बिलबिलाती, और मैं सिर्फ इतना कहती रही, दिखा बताती रही कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन जो प्रदेश के महामंत्री भी थे वो जूते उतार के बैठे रहे, कोई नहीं खड़ा हुआ, किसी ने उस आदमी को नहीं बुलाया, किसी ने नहीं पूछा क्या हुआ, और एक तमाशा वहाँ बनता रहा।